हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे जर्नल। तो जर्नल क्या है? जर्नल इज अ फंडामेंटल बुक इन डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट लिखना जब भी स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले हाथ में लिया जाता है जर्नल। जर्नल से ही अकाउंटेंट जो है अकाउंट लिखना स्टार्ट करता है। That's why it is a fundamental book in double entry system. Basically book यही है। अभी इसके characteristics देखें तो first है original book, क्योंकि account लिखने की start ही journal से होती है। That's why this is called the original book. फिर second है dual effect. हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट आते हैं, तो ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जांपल, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 5000, तो परचेज की एंट्री आएगी, कैश जाएगा, कैश की एंट्री आएगी। इसी तरह से हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट दिए जाते हैं। टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, तो जो अमाउंट डेबिट करनी है उसके लिए अलग कॉलम होता है और जो अमाउंट क्रेडिट करनी है उसके लिए अलग कॉलम होता है। तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि डेबिट में और क्रेडिट में कितनी कितनी अमाउंट है, तो अगर कहीं गलती होती है तो कैच कर सकते हैं हम। फोर्थ है ऑर्डर ऑफ डेट। जर्नल जो है डेट वाइज लिखा जाता है। पहले 1 अप्रैल की एंट्री लिखी जाएंगी 1/4 की, फिर 2 अप्रैल की, फिर 3 अप्रैल की, फिर 4 अप्रैल की। इस तरह से ऑर्डर वाइज डेट वाइज जो है डेट्स के ऑर्डर में सारी एंट्रीज लिखी जाती है, तो गलती होने का कम चांस रहता है। फिर है नरेशन। हर ट्रांजेक्शन के नीचे जो है किस चीज का वो ट्रांजेक्शन किया गया है, किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है, वो नैरेट किया जाता है। तो बहुत बार नरेशन पढ़ के भी पता चल जाता है कि ट्रांजेक्शन क्या हुआ है। सिग्निफिकेंस इसका, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस। तो जर्नल में जो है सारे के सारे जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन छोड़ा नहीं जाता। क्यों? कि डेट वाइज जो है सारी एंट्रीज डाली जाती है, तो कोई भी एंट्री रहने का बहुत ही कम चांस रहता है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, तो सारी एंट्रीज लिखी जाती है, हर एंट्री में ड्यूअल इफेक्ट होता है, नरेशन होता है, तो इस तरह से जो है सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आ जाती है। इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में हमको देखना हो कुछ भी तो जर्नल में से हमको सारी की सारी बातें पता चल सकती है। इसके बाद डेबिट क्रेडिट की अलग अलग अमाउंट्स होती हैं, कॉलम अलग अलग होता है, सॉरी अमाउंट्स नहीं कॉलम अलग अलग होता है, तो पोस्टिंग करने में इजी हो जाता है। डेबिट वाले की एंट्री जो है डेबिट के हिसाब से पोस्ट हो जाती है, क्रेडिट वाली एंट्री जो है क्रेडिट के हिसाब से पोस्ट हो जाती है, तो इस तरह से पोस्टिंग करने में भी कुछ गलती नहीं होती है। उसके बाद सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, तो सारी एंट्रीज जो है डेट वाइज लिखी जाती है, डेबिट क्रेडिट परफेक्टली लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है, तो इस तरह से हर ट्रांजेक्शन की सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद जर्नल में से जो है वो सब जो है रिस्पेक्टिवली उन अकाउंट्स में जाके पोस्ट किया जाता है। एररलेस अकाउंट, क्योंकि सब एंट्रीज जो है डेट वाइज लिखी जाती है तो गलती होने का चांस बहुत कम होता है। डेबिट के अमाउंट डेबिट में लिखी जाती है, क्रेडिट के अमाउंट क्रेडिट में लिखी जाती है, तो इस तरह से एररलेस अकाउंट्स लिखा जाता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट में जर्नल का जो है इंट्रोडक्शन इतना है।